अटेंडेंस बचाएंगे, इंडिया को बचाएंगे। आज जो हमारे गेस्ट है ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है पंजाबी लड़के और लड़कियों की डिमांड और इज्जत दोनों बढ़ाने में, बाकी आप लोग खुद देख के समझ जाओगे। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूजेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज द सुपरस्टार्स ऑफ पंजाब और सारी इंडस्ट्री जितने भी है, एमी पाजी एंड सोनम बाजवा। थैंक यू सर, आप हो गए इंडिया का क्रश, लेकिन आप मेरा तो पक्का हो, ये तो बात पक्की है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं विश्वास मैं अभी बता देता हूँ। सोनम कौर प्रीत बाजवा, 5'7" हाइट, 1989 जन्म, जेसी पब्लिक स्कूल से स्कूल किया आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज किया है। हाँ जी। शॉपिंग, डांसिंग और सिंगिंग आपका पैशन है, मेरा ही पैशन है। इसके बाद तो रिश्ता ले जाना ही बनता है, और क्या बता। आप जो है इससे पहले एयर होस्टेस थे। हाँ जी। मैम जब हमने फ्लाइटें चढ़नी चालू करी आपने जॉब ही छोड़ दी। मैं प्राइवेट जेट्स में थी, तो अभी भी आपके पास मौका है। हाँ जी। जल्दी शायद, क्या पता मेरी कंपनी हो प्राइवेट जेट की, तो आपको उसमें जब एक राइड मिलेगी। पाजी प्राइवेट जेट लो, सोनम ने मैं भेज दूंगा। नो, मैं इनको एक फ्री राइड जब मेरी प्राइवेट जेट कंपनी होगी। जितना ये लोग दिहाड़ी दे रहे हैं, मुझे ऑटो से वापस जाना पड़ता। पाजी आपको कैसा लग रहा है हमारे मैडनेस मचाएंगे में पहली बार आके? पाजी पाजी मैंने अभी बस करियर शुरू किया है, मतलब इन द सेंस मेरे को ऐसा लग रहा है ये शुरुआत है अभी। हिंदी का तो अभी ऑब्वियसली स्टार्ट कर ही रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई ऐसे शोज में आके, तो थैंक यू सो मच। हमने पूरी स्टोरी रिसर्च कर रखी है। जब मैंने एमी बाजी का इंटरव्यू देखा ना, तो मैंने इसमें देखा, इसमें इंग्लिश में बता रहे थे कि आई लव माई मॉर्निंग टी विद क्लोव एंड कार्डमम। मेरे साथ एक पंजाबी लड़का बैठा था, उसको समझ नहीं आया, उसने बोला दोनों गर्लफ्रेंड्स होंगी इनकी। मैं अभी अभी दुबई होके आया हूँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड और डायमंड का बहुत ज़्यादा वो है। आज मुझे पता लग रहा है कि रोज गोल्ड की इतनी वैल्यू क्यों है वहाँ। देखो ऐसा है कि जब आप स्कूल में होते हो तो कुछ पता नहीं लगता ज्यादा, आप बच्चे होते हो, आप मासूम होते हो, लेकिन जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो कुछ लोगों की शक्लें ऐसे बदल जाती, इतना सुंदर हो जाते कि आपको विश्वास ही नहीं होता। मेरे साथ एक ऐसी लड़की स्कूल में थी, स्कूल में वो रबड़ मांगती थी तो मैं उसको रबड़ तक नहीं देता था। अब मैंने उसको अचानक से सोशल मीडिया में देखा, वो मुझसे किडनी मांग ले, मैं दोनों दे दूं उसको। और आप सोचो कि ऐसे ही एक सुंदर लड़की आपकी साली निकल आए, तो आप तो ऐसा जीजा पागल ही हो जाओगे यार। तो ऐसी ही एक जीजा साली की कहानी लेकर आ रहे हैं कुशल एज नौरा, हिमांगी एज भाई को, कावेरी एज साली एंड सागर करांडे एज उसका बॉयफ्रेंड। हेमू सुनना, ए हेमू यार तू मत जाना, ए सुनना मत जाना, गाओ प्लीज, प्लीज गाओ मत जा यार प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? अरे लेकिन आई के साथ मुझे गाँव जाना पड़ेगा, अब अकेले को उसे कुछ संभलता नहीं है। अरे यार तू गांव चली जाएगी तो घर में एकदम ऐसा शांति शांति रहेगा रे मस्त। क्या बोला तुमने? मतलब मैं इतनी बड़बड़ करती हूँ कि घर में अशांति रहती है, मैं इतना बातें करती हूँ कि तुम्हारे कानों से खून खून आता है। हाँ, पहले मेरी बातें तुम्हें कोयल सी लगती थी, अब कौवे जैसे लगती है, पहले जैसा प्यार रहा ही नहीं है। हाँ मैं इतनी बातें करती, मैं इतनी बड़बड़ करती हूँ, बोलो। अरे तू बात करती है तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ तू बात करती है तो ऐसा लगता है कि घर जिंदा है। चाची हाँ तू मत जा गाओ प्लीज। हाँ, क्या छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो, इमरजेंसी है जाना पड़ेगा। अरे सुनना मेरा खाना पीना, मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसा कैसा मैनेज करेगा, चाय पानी सब टाइम टू टाइम। तेरे को मालूम मेरे को पीठ का दर्द है, तुम जब तक मालिश नहीं करती मेरे को नींद नहीं आता, तेरे को मालूम है ना सब। कितना लाड़ में आ रहे हो, मैं सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हूँ। कितना? 4? ये 4 दिन मेरे को 4 साल के समान लगेंगे। ओले ओ ओ ओ कितना मक्खन लगा रहे हो, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। और टेंशन मत लो, पिंकी आ रही है ना ख्याल रखने के लिए। कौन पिंकी? अरे पिंकी मेरी काका की लड़की। वो काय को आ रही इधर? अरे वो काय को मतलब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अरे मैं जिसको पहचानता नहीं वो क्या मेरा ध्यान रखेगी? पहचान? अरे वो हमारी शादी में थी, ऐसे क्या कर रहे हो? हमारे शादी में उसने रो रो के हंगामा किया था, याद आया? अच्छा अच्छा वो हमारे शादी में जो थी,
ऐसी वो गोलू मोलू सी दोनों हाथों में ऐसा लड्डू लेके, दोनों गाल में ऐसा लड्डू लेके घूम रही थी, ऐसा उसको ऐसा हाथी के सरीके उसके दांत थे वही ना। अरे तेरे को मालूम है क्या, क्या? वो ऐसा सेल्फी लेने के लिए ऐसा उसने मोबाइल निकाला ना, किसी ने उसको आवाज दिया उधर से पिंकी, वो घूमी मोबाइल के ऊपर स्क्रैच आ गया। हो गया तुम्हारा मजाक करने के लिए, मेरी मायके वाले मिलते हैं तुमको, वो अब आ रही है ठीक है, उसको बोल तेरे माँ के साथ गाँव जाए, तू रुक यार इधर बैठो, अपनी पिंकी है वो, अपनी अपनी नहीं तेरी है, मेरे को नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो ऐसा, मेरे को नहीं चाहिए इधर पे वो, मैं उसका मुंह भी नहीं देखा, मैं बोल के रख रहा तेरे को, तुम चुप बैठो, शादी के बाद मैंने भी उसे नहीं देखा है। क्या? हाँ। अरे तूने भी नहीं देखा है उसको वो, अरे वही है शायद, जाओ देखो। ए जा रहे, मैं उसका मुंह भी नहीं देखा, कैसा आदमी है, सब काम मैं करूँ। हाँ आप कौन? दीदी मैं पिंकी। हम पहले मिलते थे, तैसे मिलेंगे। अपनी पिंकी, अपनी पिंकी, अपनी पिंकी, अरे पिंकी जीजू से मिल, आ जा इधर। अरे मैं उसको बोल रहा था कि मैं क्या इतना बड़ा है क्या मेरे पाँव छूने के लिए? हाँ हाँ, कहाँ बड़े हो, सिर्फ 15-20 साल बड़े हो ना तुम, यहाँ जाओ। लेकिन पिंकी तुम इतना चेंज कैसे हो गई? अरे सच में देखना। ऐसा हो गया क्या मनवा? अरे दीदी मैं क्या बताऊँ, मैं कानपुर गई थी ना, तो वहाँ के हॉस्टल का खाना खाते 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 मैं खुद पे डाइटिंग हो गई, और मैं पतली हो गई। ए हेमू, तेरे को कानपुर जाना चाहिए रे। हाँ ना। क्या बोला? नहीं नहीं, मैं क्या बोला? और वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे वो दांत। ओ मेरे दांत, वो क्या था ना, एक बार ना मैकेनिकल का प्रैक्टिकल हो रहा था, हाँ ड्रिलिंग मशीन के बीच में मेरा मुंह आ गया और मेरे दांत ऐसे चॉप हो गए। अच्छा हुआ ना मुंह आया, गला जाता तो। ए वो ड्रिलिंग मशीन अपने को मिलेगी क्या? क्यों? इसके माँ के लिए। चुप करते हैं जीजा, कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, काकी ने ना मुझे सब बता दिया है, अब जीजू का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। ये ले, ये ले। ये क्या है? ए जीजू रोबोट का कंट्रोल पूरा तेरे हाथों में। काकी ने ना सही कहा था, जीजू का स्क्रू थोड़ा ढीला है। कोई बात नहीं जीजू, मैं ना आपका सारा स्क्रू ठीक कर दूंगी। पक्का? हाँ। दिमाग का, दिमाग का। ओ, अभी सुटके हो गया ना भर के, निकल, तेरा बस है ना, तू जा अभी। अब 3 घंटा बाकी है, तू जा, जा 5 मिनट पे जा। नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि जाना जरूरी नहीं है, मैं कैंसिल कर देती हूँ। और आई अकेली जाएगी? अरे वो बोलते ना आपने, मैं स्वामी तीनी जगह चा, आई बिना भिकारी जाना भिकारी। आई को अकेले को जमेगा? लेकिन तुम्हारे पीठ दर्द मालिश कौन करेगा? हाँ मेरे को किधर पीठ दर्द है, कुछ भी बोलती, पीठ पीठ का क्या है, टनंग टनंग टनंग। दीदी उसकी टेंशन ही मत लो आप, मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। देख इसके पास सारे सोल्यूशन है यार। अरे लेकिन तुम्हारे खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा, चाय तुम्हें 2 टाइम चाय लगती है ना? मैं इसको चाय पूछा? हाँ ये हमारे खानदान की परंपरा है क्या? नहीं नहीं, बद्री के खानदान का नाक तू काटेगी तू? नहीं। चाय चाय। याद नहीं रहा मुझे। हाँ वही तो,
तुम पहले बैठो बैठो आ जाओ कितनी प्यारी हो सॉरी हाँ मैंने तुम्हें चाय तक नहीं पूछी मैं अब भी लेके आती हूँ ओके दीदी बाकी पिंकी हाँ जीजू ओ कॉल मस्त क्या और पिंकी हाँ जीजू बाकी कॉलेज मस्त जीजू कुछ सुनाई नहीं दे रहा अरे क्या बाकी पिंकी कॉलेज का पढ़ाई वगैरह मस्त हाँ जीजू एकदम मस्त आपको पता है मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती कोई असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बस एक स्माइल पास कर देती हूँ बस सारे लड़के सारा असाइनमेंट ऐसे बना देते हैं जीजू मेरी स्माइल इतनी अच्छी है क्या अरे तू अभी तक स्माइल में ही अटकी पड़ी है कभी तो आंख मार के देख लेकिन उससे क्या होगा सब कुछ होएगा उससे तू मार के तो देख तू आंख तो मार कर प्रैक्टिकल कर आपके साथ हाँ कर ना तू मार हाँ मार अब ठीक है अब भी क्या याद करोगे हाँ क्या हुआ आंख ऐसा खाली सुंदर है बाकी पूरे अपनी दीदी पे ऐसा रे ऐसा आंख मारना जीजू आप भी ना बड़े वो हो रोमांटिक ना अरे अरे देखा फ्लोर कितना मस्त बनाया है सीमेंट का क्वालिटी क्या है हमारे घर पे दिखा रहा था इसको अरे क्या क्वालिटी बनाया काम तुम्हारी सब क्वालिटी मैं देख रही हूँ मैं उसको बता रहा खड़े रह के काम करके लिया है पूरा मैं वो डोरबेल बज रही है वो सुनाई नहीं दे रही है तुमको देती हूँ मैं तुम्हें इतना किट किट रहता है ना इसका अरे गज्जू प्लम्बर तुम यहाँ लेकिन मैंने तो कोई कॉल नहीं किया था पाइप वाइप सब ठीक है ए गजा घर जा चीजू वो गजा नहीं है गज्जू है गज्जू 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 मेरा बॉयफ्रेंड ये तेरा बॉयफ्रेंड है हाँ अरे कैसन हो भैया अब ठीक हो नहीं वो पहला साइकिल बाहर पार्क करके हाँ अरे भैया ये साइकिल नहीं है हमारा चलने का स्टाइल है और तुम मैं तेरा भैया भैया नहीं है पहले ही बोल रहे हैं अरे हम जीजा जो बोल रहे हैं जीजा तो है ही नहीं मैं तेरा क्या मैं बोल रहा हूँ तेरे को ये कैसा चॉइस है तेरा ये अरे मैंने तो दीदी से इंस्पिरेशन ली है जब दीदी की चॉइस आप हो सकते हो तो मेरी गज्जू क्यों नहीं ये क्या है ये क्या है ये मेरी तारीफ कर रही है या मेरा इंसल्ट चालू इधर तुम रुको मेरे ही घर में चालू है सब तुम रुको पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों मिले कहाँ मतलब अरे इंटरनेट पर मिला हम है डेटिंग का ऐप जो होता है ना वहाँ पर मिला है अरे इसका काम पाइपलाइन का है क्या ऑनलाइन का है अरे भैया का इन्होंने मैसेज किया था हमको कि बम्बई आ रहा है हम बोला आ जाओ अपना ही इलाका है अपना ही घर है हाँ हाँ हम यही रहेंगे ना जीजा जी का बहुत ख्याल रखेंगे हम एक मिनट तुम दोनों यहाँ रहोगे ना हाँ तो ठीक है मेरी टेंशन गई चलेगा हाँ क्या टेंशन गई मेरे को तकलीफ है इधर पे तेरे को मालूम है ना पीठ का अरे दीदी मैं क्या बताऊँ कज्जू बहुत अच्छी मालिश करता है हाँ क्या
एक मिनट, वो अच्छा मालिश करता है तेरे को क्या मालूम रे? अरे नहीं कहा, हमारे चाचा जो है ना वो अखाड़े में पहलवान है ना, इसलिए आप चिंता मत करो, आपकी भी मालिश कर देंगे, पीठ की मालिश करेंगे, पेट की मालिश करेंगे। अरे मेरे को पीठ है ही नहीं। हा? मेरे को लोग शाबाश की भी इधर देते, शाबाश शाबाश ऐसा। अरे तो पीठ है नहीं, निकाल देंगे ये बात है कि। आ जाओ भैया, नहीं तुमको क्या लगा ये का हमरा चलने का स्टाइल है, ये हमरा मालिश करने का स्टाइल है। आ जाओ, ये भाजी आप लोगों ने बा कमाल एक्ट किया है, बहुत बहुत प्यार, जेन्युइनली बहुत बहुत सत्कार। उमा जी बहुत मजा आया, हिमांगी लवली एज ऑलवेज, एंड कावेरी आई लव दिस बबली अवतार ऑफ योर। प्लीज बैठिए, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, थैंक यू सो मच। एमी पाजी, गोवा जो है वन ऑफ द फेवरेट बीच डेस्टिनेशंस है, सबका मन करता है, मुझे तो लगता है इंडिया में बच्चा पैदा होता है उसको सीधा गोवा जाने का मन करता है। और हम जो बीचेस की कहानियां यहां सुन के बैठ के सोचते रहते कि बीच ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, मैं वहां जाके हुआ है कुछ नहीं है, वही लड़कियां चूड़ा पहन के शादी के बाद यहां घूम रही है, वही लड़कियां वहां पे हनीमून मना रही है। और उस दोस्त पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो गोवा का प्लान बनता है और फिर कैंसिल कर देता है। तो ऐसी ही एक गोवा ट्रिप की कहानी लेकर आ रहे हैं गौरव मोरे एज हस्बैंड, स्नेहिल एज वाइफ, एंड इंदर एज वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर। क्या बात है, गोवा गोवा। गोवा जाके मार खाया। बेबी तुमने मुझे मारा? बेबी आपको लगा? नो बेबी नहीं। लगा बेबी, मेहमान आया ऐसे नहीं मारते बेबी, लगता है बेबी बेबी। गोवा भाई लोग, गोवा मजा करेंगे, बहुत मजा करेंगे गोवा में, ठीक है। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम टू द कंट्री, वेलकम टू द कंट्री। विच कंट्री सर? वेलकम टू इंडिया। कंट्री कंट्री मार्ग नागपुर का संतरी। आप फॉरनर नहीं? अरे मैं इंडिया से, मुंबई से। नहीं मतलब आप लगते हैं, आप हैं नहीं? नहीं है, नहीं है। अच्छी बात है कि आपको हिंदी आती है। हाँ हाँ, क्यों? नहीं क्योंकि मुझे हिंदी में बेइज्जती करने में मजा ही बड़ा आता है। बहुत खैर, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। यस परे मरो। हेलो, मैं यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर। माय नेम इज मॉर्गन परेरा। माय सेल्फ इज गौरव मोरेरा। माय कॉमेडी माय पंचेस। मैम आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ, क्यों? नहीं मेरा भी वही सवाल है, क्यों? मतलब इसकी जगह आप हैंडपंप से भी शादी कर सकती थी, कम से कम सनी देओल आके उखाड़ तो लेता। ये भाई बिना बात के तू मेरे क्यों बदनामी कर रहा, क्या है तू, कौन है तू? अभी तो बताया सर, मैं यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हूँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स सर, मैं तो कब से चाहती थी कि मैं गोवा आऊँ, वाटर स्पोर्ट्स करूँ। सर आपके पास कौन सा पैकेज है? मैम एक्चुअली मेरा पैकेज बहुत बड़ा है। आप सबसे पहले बनाना राइड ट्राई कर। ये कौन सा राइड है बे? आप कभी केले पे बैठे? मैं क्यों केले पे बैठूंगा? मैं बिठाऊंगा। आप क्यों बिठाओगे? यार मैं ही बिठाता हूँ यार सबको यार। लेकिन मैं क्यों बैठूंगा यार? अबे यार मैं ये बनाना बोट राइड की बात कर रहा हूँ यार। फिर ऐसे बोलना यार। उल्टी सीधी बातें सोचे जा रहा है। इसमें पता क्या होता है? हाँ। आप ऐसे बोट राइड पे बैठते, अच्छा आपको समुन्द्र के बीचों बीच लेके जाते हैं। अयो हाँ हाँ, और एकदम लहरें वहरे होती है और बीच समुन्द्र हम आपको उल्टा कर देते हैं। नहीं बेबी, नहीं 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 नहीं, ये बहुत डेंजर है, हमको आदत नहीं है इसकी, हम दूसरा कुछ करेंगे। मुझे सुबह डाइविंग करनी है। मैम आप क्या, आप सुबह शाम रात जब कहें हम डाइविंग कर सकते हैं।
भाई सुनना, मुझे भी करना है वो, क्या बोलते उसको, वो कौन सा स्कूबा डाइविंग, हम दोनों को बहुत शोर का स्कूबा डाइविंग कर रहा है भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। आप समझे, भाभी जी को तो मैं पानी के नीचे ले जाऊंगा, आपको नहीं लेके जा सकता मैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम होता है कि समुंदर कचरा बाहर फेंक देता है। बेबी ये क्या बोला? बेबी ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। बेबी 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 ना। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको पानी में ले जाऊंगा, उससे पहले हमें कुछ नियम सीखने बहुत जरूरी है। ओके सर। जैसे क्या? पानी के नीचे जब भी आपको खतरा महसूस होने लगे, आप मुझे बस एक बार इशारा कर दें, मैं आके आपको बच्चा दूंगा। ऐसा मारूंगा नाक में तेरे, बचा दूंगा क्या रे? मैं आपको बचा दूंगा, ऐसा होता है वो? और ये कौन सा इशारा है ऐसा? मेरे को आते मालूम है क्या? ये मतलब ऊपर, ये मतलब ये बचा बचा, ये मतलब मस्त है। चलो हम लोग पानी में चलते, ये आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं, ये लें और साथ में मास्क भी पहने लें। अब हम पानी में कूदेंगे, ठीक है? 3 2 1 कूदो। बेबी जी बुड़ 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 सब ठीक है? बुड़ 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 सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बुड़ 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 बुड़। डुब 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 डुब। अरे आप सब बुड़ 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 कर रहे हैं, मैं डुब 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 क्यों कर रहा हूँ? सर जब कुदरत की इच्छा आप डूब के मर जाओ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? ये क्या बात हुई बे? ये फालतू की बात हुई, तू हाथ चलाता रहे मर जाएगा। सॉरी सॉरी सर जी। मैम वो एकदम से मगरमच्छ है, कभी चली जाती हैं। तेरा बाप मगरमच्छ। आएंगी अभी आएंगी मछलियाँ, डॉल्फिन। हे डॉल्फिन आ रहा है? हाँ डॉल्फिन आ जाओ। बेबी डॉल्फिन 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 डॉल्फिन। वाह 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 सर, मैंने पहली बार डॉल्फिन देखा सर। डॉल्फिन डॉल्फिन जंप जंप डॉल्फिन जंप डॉल्फिन जंप। मेरे बाप का नौकर हूँ मैं, नौकर हूँ बाप का। नहीं नहीं मेरे मेरे बाप का, मेरे बाप जंप देखने के तेरे को, डांस देखने के तेरे को। सॉरी सॉरी क्यूआर कोड में पैसे भेज दो, मैं डांस कर लूंगा। बेबी कौन सा डॉल्फिन जो बात कर रहा है? सर डॉल्फिन भी सेम चीज सोच रही है, कौन सा केकड़ा जो बात कर रहा है? आप पैसे दे दो ना चुपचाप। आप पैसे, आप पानी में कौन स्कैनर लेके आता है यार? हो गया चल। मजा आ रहा है सर। सर मुझे ऑक्टोपस भी देखना है। बेबी जून चालू, अभी क्या दुखी होगा अक्टूबर। माय कॉमेडी खत्म। क्या हुआ? योर कॉमेडी माय पंचेस। सर आपको ऑक्टोपस देखना है, उसके 300 अलग लगेंगे। 300 मैं दे दूंगा, दे दूंगा। प्लीज बेबी को ऑक्टोपस देखना है, प्लीज प्लीज। ठीक है डॉल्फिन तुम निकलो, ऑक्टोपस को भेजो फटाफट। गुल्लू ऑक्टोपस हाथ है देखो मेरे यार, करता हूँ मैं अपने मन की, सुनता नहीं किसी की बात। एक हाथ से पीठ खुजाता, दूसरे से सर खुजाता, तीसरे हाथ से खाना खिलाता, चौथे से बर्तन धोता। गुल्लू ऑक्टोपस, गुल्लू ऑक्टोपस। पांचवें हाथ से गुदगुदी करता और छठे हाथ से चाटा मारता। तेरे एक हाथ से सात हाथ बांध दूंगा, फिर घूमते रहेंगे करके। खुल्लू ऑक्टोपस, खुल्लू ऑक्टोपस। मैम इनको मरने दें, आपको मैं यहाँ की सबसे बढ़िया अट्रैक्शन दिखाता हूँ, जलपरी। सर जलपरी? सर जितना चाहिए उतना पैसा ले लो सर, इसको भगाओ, जलपरी दिखाओ सर। मैं बेबी मैंने आप चुड़ो मत बेबी, मेरी जलपरी सिर्फ कहानी में देखी है, आप ही मेरी जलपरी हो बेबी। प्लीज प्लीज जलपरी दिखाओ ना, जलपरी दिखाओ। जलपरी बुलाए? हाँ जा। आप गंदे ऑक्टोपस भी आप निकले। हाँ जाइए जाइए। ऑक्टोपस, गुल्लू ऑक्टोपस। ओह माय गॉड, मैं जलपर आ गया। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सर हटना छोड़ना है बाबा। नहीं
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों ही ना इधर ही सेटल हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे जल पेरू भी होंगे। तेरे बाप को खिला जल पेरू। सर ये क्या है सर, छोड़ ले बोलो सर मुझे कैसे बेबी। मैडम देखिए आपके बाइसेप तो ऑक्यूपाइड हो गए हैं। आइए मैं आपको समुद्री घोड़ा दिखा के आता हूँ। अरे सुए समुद्री घोड़ा इसके पास से सर, मुझे छोड़ो सर प्लीज। बुल्लू ऑक्टोपस, बुल्लू ऑक्टोपस। भाजी बनाना राइड भी अच्छी थी, मतलब पूरा पारिवारिक था काम सारा। बहुत अच्छे, सच में बहुत अच्छे। सोनम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, एक मैं बहुत हंसी। एंड ऑल ऑफ यू वर सो गुड, सो गुड। थैंक यू सो मच, एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच। हमारी मैंडेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर पंजाब के सुपरस्टार आज आए हुए हैं तो जो स्टैंड अप कॉमेडी का सुपरस्टार है उसका परफॉर्म करना तो बनता ही है। आप लोग को उसका नाम आज पता इंदर है, परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज द सुपरस्टार ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी हर्ष गुजराल। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि तू तो पंजाबी है, तू शराब नहीं पीता, तू शराब कैसे नहीं पीता। इनको लगता है कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनको पोलियो के साथ साथ दारू के इंजेक्शन भी टोके जाते हैं। कह रहा तुम्हारी तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती होगी, क्यों हम लोग डबल डोर वाली लीवर लेके पैदा होते। पंजाबी नहीं हो गए, मंगल ग्रह की कोई प्रजाति होगी। मेरा मूड तो उस दिन खराब हुआ, मैं आपको बता देना। मेरा दोस्त कह रहा पार्टी करने चलते, मैंने कहा नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है। कह रहा अरे तुम पंजाबी कहाँ सैड होते हो, तुम लोग तो हमेशा हैप्पी रहते हो, तुम तो सैड के माहौल में भी हैप्पी रहते हो। हाँ हम लोग तो मैयों तो भंगड़े कर रहे हैं जा। सब बॉलीवुड का किया तरह। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड ने कभी कभी ना गलत तरीके से दिखा दिया। ऐसा होता नहीं, ऐसे कोई भी पंजाबी दिखा दिया कि ऐसे हैं ब्लू शर्ट पहनी हुई है, रेड पैंट पहनी हुई है, येलो जूते पहने हुए, ऐसे नीचे से लूडो की गिट्टी बन के घूम रहे हैं। अगर आपको सच में पंजाबी देखना है, पंजाब का सरदार देखना है, ये बैठा हुआ है मीवार का। मैं तो खुद ही पंजाबी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग हर जगह हैं और ये हमारी खासियत है। आप किसी ऐसे ग्रह पे चले जाओ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं भी करती, वहाँ पे भी एक पंजाबी आदमी काके का ढाबा खोल के बैठा होगा। खुद ही दाल मखनी शाही पनीर बना रहा होगा, खुद ही खा रहा होगा। हम खाने का शौकीन है तो हम क्या करें बाजी। मैं तो बता रहा हूँ अगर आप यहाँ यमराज को खड़ा कर दो और यहाँ कोई पंजाबी आदमी खड़ा कर दो और यहाँ पे आलू के पराठे रख दो मक्खन, हम लोग यमराज से भी डील कर लेंगे। हम गुस्से वाले भी उतने ही ज्यादा होते हैं जितने हम प्यार वाले होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शो ऑफ बहुत है। कहते हैं लोग, हम कहते हैं हम खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, लोग कहते हैं हमारा गाड़ियों पे बहुत खर्चा है, हम पे पैसा है तो खर्चा करते हैं, तुमसे क्या मतलब। तुम लोग को ये पता ही नहीं है कि हम पंजाबी जो है कनाडा जाते हैं, वहां पे टैक्सी खरीदते हैं चलाने के लिए, उसी में बैठ के लिरिक्स लिखते हैं, जब तक कस्टमर लोकेशन पे पहुंचता है हमारी वीडियो 10 मिलियन व्यूज पहुंच चुकी होती है। परी भाई जो कस्टमर लोकेशन पे ओटीपी मांग रहा होता है ना, वो डेस्टिनेशन पे ऑटोग्राफ मांग रहा होता है। बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। पाजी बिग फैन। अब है टैलेंट हम में तो क्या करें। लोग कहते हैं पंजाबी बहुत घी मक्खन खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पंजाब जो है वो ब्रेड बास्केट है इंडिया की, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस बास्केट में जितनी भी ब्रेड है ना सब पे घी मक्खन लगा हुआ है। हमारे पंजाब का प्यार है घी। आप किसी को देख लो, पंजाबी आदमी घी को उसी तरह से देखता है जैसे 90s का विलन हीरो को देखता था, या तो आज ये नहीं या तो मैं नहीं। आप कभी भी देख लेना, आप बाकियों के जो है घी जो है वो रोटी पे लगा होता है, हमारे यहाँ रोटी जो है वो घी में ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि पंजाबी माँ का प्यार ही वही है। पंजाबियों को पसंद नहीं कि बंदा भूखा रहे, आप तो फिर भी चलो ठीक ठाक बैठ के हो। मेरी माँ तो अगर ग्रेट खाली को भी देख लेना उसको भी बोल दी बड़ा सूखा हो गया, देसी घी लगाएगा। मेरी माँ कहती है कि हमारा ये प्यार है जो हम तुम्हें लगा के देते हैं, घी जो है हमारा प्यार है। मैंने कहा इसीलिए 3 साल से पापा सूखी रोटी खा रहे। सबसे ज्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं इसीलिए पंजाबी। आप देखो हमारा कानपुर में गांव था, वहाँ पे एक टाइम पे बाढ़ आ गई थी पाजी, और सबसे बोला कि हेल्प करनी चाहिए। सारे जो गुजराती थे सब कोई कपड़ा लेके आ रहे, पंजाबी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेके आए। पंजाबियों ने बोला हम खाने की मदद करेंगे। और बच्चे वहाँ तैर रहे हैं, लोग तैर रहे, पाजी इतने पंजाबी आ गए, इतने ट्रकों ट्रक दाल मखनी लेके पहुंचे हैं, मतलब 2-4 तो दाल मखनी में डूब गए। यार भाई मैं कोविड की बात बताऊं है तो हंसी वाली। अब बताओ भाई। अब मैं हमारे दोस्त थे वो मतलब ऑब्वियसली लंगर की प्रथा है पंजाब में है ना, काफी टाइम से चली आ रही है। तो हम कोविड में हम जाते थे जो वहाँ पे मतलब जो प्रवासी लोग थे हमारे, उनको मतलब कड़ी चावल या कड़ी चावल थे छोले चावल, दो डिशेज थे हमारी जो बल्क में बन जाती थी और ईजी बन जाती थी।
तो बिकॉज वो मतलब एनजीओ टाइप जो हमारे दोस्त थे वो चलाते थे, तो हमने 10 दिन गए, 12 दिन, 15 दिन, 16वें 17वें दिन आगे से आया बंदा, क्या है यार रोज कड़ी चौल छोले चौल कड़ी चौल छोले चौल, पनीर पनूर नहीं देता थोड़ा कोई? मैं कहा सॉरी गलती होगी, कल से पनीर ला देंगे आपको। जैसा हमारी माँ प्यार घी से दिखाती है ना, वैसे ही पंजाबी पापा जो होते हैं वो अपना प्यार मार के दिखाते हैं, कुटाई। आपको क्या लगता है पंजाब से इतने कुश्ती करने वाले, इतने बॉक्सर, इतने फाइटिंग वाले क्यों सक्सेसफुल निकलते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने पंजाबी बाप के चाटे खा लिए उनके लिए रेसलर्स के जो मुक्के हैं वो चुमिया है। हम चार कहीं इकट्ठे हो जाते हैं ना पंजाबी, उसको पंजाब बना देते हैं। आप देखो हमने एक नया पंजाब बनाया कैनेडा नाम का। अमृतसर के कुलचे, लुधियाना की लस्सी के बाद अब टोरंटो के टिक्के आने वाले हैं। और वो दिन दूर नहीं है पाजी, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है ना जस्टिन, उसका नाम सीधे जसविंदर सिंह रखेंगे। अगर आप तारे गिन गिन जो गाना है, तारे गिन गिन पाजी, आप किसी मैयत में भी बजा दो, जैसे ही गम दिया बरसाता बजेगा ना, डेड बॉडी उठ के 3 बार ओ हो हो। पंजाबी गानों में इतनी वाइब है, लोगों को लिरिक्स समझ आए या ना आए, ए लोग नाच रहे हैं, मुझे खुद ही लिरिक्स नहीं समझ में आता है, मैं तो खुद एंजॉय करता हूं। मैंने एक दिन एक ग्रुप देखा पाजी, सैड सॉन्ग पे भंगड़ा कर रहा है, सैड सॉन्ग। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई इसमें लड़की का ब्रेकअप हुआ है, लड़का छोड़ के चला गया है, लड़की सिंगल हो गई है, ये सैड सॉन्ग है, तुम लोग भंगड़ा कर रहे हो। कह रहा पाजी सोनम बाजवा का ब्रेकअप हुआ है, हमारे लिए खुशी की बात है, आपके लिए होगा दुख। जब कोई पंजाबी लड़का वैसे बोलते बड़ा गुस्से वाला होता है, लेकिन कभी उसको उसके क्रश के सामने देखो लड़के को, एकदम ऐसा लगता है समाधि ले ली है, अच्छा खासा गिद्दा करता हुआ आदमी जो है वो सिद्धा हो जाता है। मेरे को खुद बाहर मिली थी सोनम जी, मेरे से पूछ रही आप हर्ष हो, मैं तो फपलाई गया, मैं ब्रूर हो गया, एकदम हकलाने लगा, मैं हुमा हूं हर्ष छुट्टी पे। तो इन्होंने पूछा कि हर्ष कहाँ गया है, मैंने कहा वो सोनम और एमी की जो पिक्चर आ रही है उसकी टिकटें बुक कराने गया है। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक ज्यादा यहाँ फालतू बातें करते नहीं है, मुद्दे की बात पे आते हैं। सोनम कैसा लगा हर्ष आपको? कमाल, बहुत ही बढ़िया लगा, सिरा लाता। पंजाबी कहते ने सिरा लाता। ओ भाजी, अभी भाजी कितना लगे? बहुत ही चंगा लगा भाजी, बहुत ज्यादा बढ़िया। ब्लेस यू ब्रदर, बेस्ट विशेस। सोनम जी हमारे शो में हमारा एक लवर बॉय है गौरव, और जब भी कोई एक्ट्रेस आती है तो वो एकदम उसके अंदर का आशिक जाग जाता है। आज तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि उसने कुछ हद ही पार कर दी है, और अगर आप कहोगे आपकी इजाजत हो तो मैं उसको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। उसके लिए एक रिक्वेस्ट, आपको एक बार स्टेज पे आना पड़ेगा। हर्ष कैसा लग रहा है? तूने इतनी मेहनत की, इतना फ्लर्ट किया, और लिपस्टिक का सिंदूर तो गौरव ने लगवा लिया। अभी हर्ष मैं मुझे कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा लग रहा है हम 4-5 लड़कों ने मिलके भूत बुलाया था, आ गया। पाजी अगर कोई रोमांटिक डायलॉग इसको बता दें तो ये सोनम को पंजाबी में बोल देगा, अगर आप पंजाबी में बता दो इसको। ऐसे मैं वहां पे आपके पास ही आता हूं। आ जाओ पाजी, आ जाओ। ए वाह क्या बात है। क्या दीदी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता, मैं तेनो बहुत प्यार करता। सोनम आप हमारे लवर बॉय के लिए कुछ कहना चाहते हो लास्ट? मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ, मैं क्या बोलूँ आपके बारे में। आई मीन इतना अगर मेरे लिए कोई कर दे तो मैं तो उसको तभी हाँ बोल दूंगी। ये है हमारा मैडनेस मचाएगा का मैडनेस। अर्ज किया है कि कोई और नहीं है तेरे वर्गा, तू इकलौती है। कोई होर नहीं है तेरे वर्गा, तू इकलौती है। सूरत तो सोनी है ही, आवाज भी घनी कसती है। मैडनेस का जो मीटर है वो बोलता ही रहता है। अरे हमारे पास पंजाब के नहीं पूरे इंडिया के इतने बड़े सुपरस्टार्स आए हैं, हाँ मौका है, दस्तूर है, कुछ इनकी सुने, इनसे बातचीत करें। बिल्कुल सोनम एमी,
हमारे यहाँ पे हम एक छोटा सा चैट शो करते हैं, चैट शो विद हुमा और हर्ष भी मंडराता रहता है। तो आर यू गाइस रेडी? जी प्लीज प्लीज प्लीज। आ जाओ आ जाओ। तो मैं आपसे बहुत ही ओरिजिनल सवाल पूछने वाली हूँ। जी जी। अपने फिल्म के बारे में कुछ बताइए। अरे वाह वाह वाह। फिल्म का नाम है कुड़ी हरियाणा वाली। रोम कॉम है, फैमिली ड्रामा भी है, पंजाबी भी है, हरियाणवी भी है। पहली बार मैं पंजाबी फिल्म में हरियाणवी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, सो मेरे लिए बहुत खास और बहुत अलग है। थोड़ा बहुत शायद पहलवानी भी है, वो आप देखेंगे फिल्म में। क्या बात है। बट फैमिली एंटरटेनर है, आई थिंक बच्चे बड़े सब लोग इसको इंजॉय करेंगे और कर भी रहे हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि जिन्होंने नहीं भी देखी वो भी ज़रूर देखें। अच्छा मुझे एक बात पता चली इमी कि आपकी मम्मी ने आपको बोला बचपन से कि आपको सिंगर बनना चाहिए, तो आप बचपन में सुर में रोते थे, कैसे मम्मी ने कैसे पता चला? माइट भी कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं था, मतलब मेरे को अच्छा लगता था सारी चीज़ें करनी है। एनुअल फंक्शन होता था, सबसे पहले जो रिलीजियस गाना होता था वो गाते थे ग्रुप में, और वेलकम सॉन्ग होता था, फिर मेरा इंग्लिश प्ले, पंजाबी प्ले और भंगड़ा परफॉर्मेंस और सोलो सिंगिंग। इंग्लिश प्ले? इंग्लिश प्ले ਪਲੇ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਪਲੇ ਦੀ। ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸੇ? ਓਹੋ ਦੈਟ ਲਾਈਨ ਕੇਮ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸੈਂਟ। ਵਾਹ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮ ਹੈ। ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ। कि इन्होंने एक बंदे के ऊपर 6 ग्लास जूस डाल दिया था और उस बंदे ने कुछ नहीं बोला था। भाजी हम लोग तो एक चुटकला सुनाते तो हमारा कोई 6 ग्लास जूस निकाल देता। और उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। ये क्या? एक्चुअली जब मैं एयर होस्टेस थी तो एक, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन पॉलिटिशियन का, वो आए थे मेरी फ्लाइट में, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया, और आई हैड 6 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस इन माई ट्रे। जैसे ही मैं उनके पास लेकर गई, आई डोंट हैव द मेमोरी कि मेरा पैर ट्रिप हुआ या क्या हुआ, वो 6 के 6 ग्लास उनके ऊपर गिर गए और मैं 10 सेकेंड के लिए फ्रीज हो गई। बट ही वॉज सो काइंड और उन्होंने मुझे बोला कि अरे कोई बात नहीं, हम तो स्नान करने वैसे भी जा रहे थे, चलो कोई बात नहीं, यही स्नान हो गया। सो ही वॉज वेरी काइंड, बट आई वुड नेवर फॉरगेट दैट डे। बिफोर आई मूव टू एमी फॉर अ क्वेश्चन, आई हैव वन लास्ट रिक्वेस्ट। तो मेरा एक फिल्म का डायलॉग एक हरियाणवी तरीके से बोल दो। आप पंजाबी में बुलवा लो ना। चलो पंजाबी में बोल दो। क्या हो गया जी? आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। किसी के घर जाते हैं तो पहले पूछते हैं ना कि अंदर आए कि ना आए। आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। Oh, you're so cute. I love that dialogue of yours. थानू परमिशन लेनी चाहिए सी ना। इदा ही सीधा ही अंदर आ गए। माड़ा मोटा बंदा कोई खड़ाक कर दिंदा या आवाज ला दिंदा, एवें ही अंदर आवड़े। You also have to do one dialogue. जी 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 please. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये आपको पंजाबी में बोलना है। वे गलते सुन वे। वे गल सुन। सौं खा गुस्सा ना करी, मेरी गल सुन। मैं तेरे जवाक दी माँ बनना नहीं। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਵ ਇਟ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਗਾਇਸ, ਵਾਟ ਗ੍ਰੇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ। ਏਬੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੀ। ਆਪਕੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਬ ਹੁਆ ਥਾ ਜਬ ਆਪਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ? मैं ना ही बहुत ब्लेस्ड हूँ। शुरू मतलब जब से स्टार्ट किया है कैरियर, तो पहले मेडिकल करता था, मेडिकल कॉलेज कर मतलब स्टडी करते करते, डिग्री करते करते मेरा गाना आ गया था पहला, चंडीगढ़ दी कुड़ियां सबसे पहला गाना था इन 2010। सोशल मीडिया तब स्टार्ट हुआ ही हुआ था और सबसे पहले गाना आया था यारण मुल्ले, फिर मेरे वाला आया था चंडीगढ़ दी कुड़ियां। ये 3-4 गाने आए और उसके बाद वो गाने चल गए ऐसे ही सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर कंपनीज ने अप्रोच किया, राइट? तो बहुत ज़्यादा पैसे लगे नहीं। एक गाना, हाँ एक गाना और मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था इन 2012। तो उस गाने के बाद जैसे आपने बोला ना, एक मोमेंट होता है जब आपको पता चलता है और तब आपको लोग भी आपको कहते हैं भी यार ये भी कर सकता है या ये भी कर सकता है। वो एक गाना मैंने रोमांटिक अपनी वाइफ के लिए किया था, तो मैंने उसी को दिया था भाई ये तू रख ले, मतलब मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। एंड शी इज़ लाइक भी नहीं, इसका वीडियो करो और इसको रिलीज़ करो। तो 50-60 हज़ार उस गाने पर लगा था। और उस गाने के बाद जैसे मेरा सोशल मीडिया तब पहले था 55,000 के अराउंड था, मतलब 2-3 साल में।
और वो गाना जब रिलीज हुआ एक हफ्ते में 3 लाख फॉलोअर्स और ऐड हो गए थे, तीन लाख लाइक्स और ऐड हो गए थे। ओके क्विकली नाउ बिफोर वी रैप दिस सेगमेंट, क्विक रैपिड फायर। जी जी जी। चलिए दोनों को फटाफट बताने एक साथ, एक हीरो जिसके साथ हिंदी पंजाबी हॉलीवुड के साथ आप गेड़ी पे जाना चाहते हो, हीरोइन हीरोइन जिसे आपको गेड़ी पे जाना है। क्विक 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 रणवीर सिंह भाभी बन गया, मैं भाभी नाल चल जाऊंगा दीपिका पादुकोण। ठीक है। एक ऐसी अफवाह आपके बारे में, काश ये सच हो जाती। मैंने पहले भी बताया कि मेरा मुंबई में मरीन ड्राइव पे बंगला है और पता नहीं कितने 100 करोड़ की मैं मालकिन हूँ। किसी ने वीडियो बना के डाली थी कि हम खुलासा करते हैं कि सोनम के पास कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें से जो उन्होंने लिस्ट की थी एक भी मेरे पास नहीं थी। मैम आपको पता नहीं है जो मरीन ड्राइव वाला आपका बंगला है वो मैं बनवा रहा हूँ, अभी बनते थे। वो फिर अफवाह भी नहीं उड़ाई है। अगर तूने बंगला बनवा दिया तो तेरा रिश्ता मैं लेके जाऊंगी। और बोल टुकड़ा। ये अपनी बीच में कमीशन जोड़ के रखती है। सोनम एमी के बारे में एक ऐसी चीज जो ये हर जगह जाके सच की तरह बताते हैं मगर झूठ है, आपको पता है। अभी टीवी पे नहीं बोल सकती। अच्छा कोई ऐसे मतलब एमी का एक झूठ बताना है बेसिकली। एमी तो एमी रोज ऐसे करता है, बस असि निकल गए, फोन करो कित्थे, असि निकल गए, उसके 2 घंटे बाद ही निकलते हैं। तो मैडम को मेरे को पूछना होता है भी तू कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। अगर आपका सीन आपके कोस्टार के साथ है, करेक्ट, और कोस्टार हमेशा लेट आता है, तो आप क्या करोगे? सीधा कोस्टार से ही पूछोगे ना, बताओ भाई कब आओगे, तब मैं निकलूंगी। देखो आप मेरे को प्रॉब्लम है उठने की, ठीक है, अभी मैं लेट उठता हूँ 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, एक सर्टेन टाइम उठने का, मतलब उसके बाद ये उठ गई, फॉर एग्जाम्पल जी अगर ये उठी गई है तू तो घंटा इतने बेडरूम च वेट करनी है, वैनिटी च सो जी जाके, तीनों की प्रॉब्लम है। क्या है रादर देन बीइंग सॉरी कि मैं लेट आता हूं, मुझे कह रहे कि तू वैन में वेट कर ले, मैं क्यों वेट करूं? मैं चल तू मैंने ये दस, मैं तेरी हुन कदे वेट कराई है इस फिल्म दे विच? वेट कराई है, बहुत वेट कराई है। ओ जा परा, कदों झूठ का तू मरी जानी। मुझे इसमें इतना मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है प्रमोशन के लिए आए थे और इनका झगड़ा देख के मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको लगता है मैं गलत हूँ अपनी बात पे? आप एकदम सही हो, मर्द गलत है सारे। कोई नहीं, शील्ड दे, ट्रॉफी दे। और ये पता है कब होता है? गलत बात हुई कि इतना डिफेंड कर रहे देखो, राधा देवी आपको बता रहा हूँ, शाम हो गई है, पंजाबी आदमी से ज्यादा बातें मत करो। आदत मेरी बुरी है या आप सबके सामने, मतलब पता ही है सारे, तो छोटी सी तो इंडस्ट्री है हमारी पंजाबी, सबको ही पता भी लेट आता है, तो अकॉर्डिंगली रखते हैं टाइम मेरा, मेरे से पहले एक आध सीन रख लेते हैं। और ये भी नहीं है, पता क्या पाजी, मैं नहीं अलार्म लगाता, सीधी सी बात सही करते पाजी। यार इस सुबह में आ गया अलार्म लगाने है, इतना मतलब वो करके इतना कुछ पा के अलार्म पे उठना है तो बैंक में होता बात है। सॉरी हाँ, मतलब वो भी बात, मतलब वो बंदे ना ऑफेंड हो जाए, वो जो कर्मा वाले बंदे काम कर रहे हैं बैंकों में वो भी हमारे भाई हैं, प्यार करते हैं, तो मसला सबसे बड़ा ये भी मैं नहीं उठ सकता अलार्म बार में। वाह गाइस बहुत मजा आ रहा है, आई एम तो लविंग दिस। तेरा पड़ा छेती छेती कर लो, दाढ़ी आने वाली है। की हो गई आ दे कुड़ियां वाली ला लेनी ही। हेलो हेलो, ओह माय गॉड, इतने अच्छे अच्छे लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा किस से शुरुआत करूं मैं। किसी से भी कर लो भाई, आप आए हो। नो, इतना हैंडसम मुन्ना बैठा तो किस से शुरुआत ही कर देते हो। नेकी और पूछ पूछ फर्स्ट प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार, प्लीज उठ के मेरी हेल्प कर दो, उठ के मेरी हेल्प कर दो, देखो क्या हो गया। क्या हुआ, क्या है? देखो तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं तुम्हारी जगह बैठ गई। वैसे एमी जी एंड सोनम जी, आप लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं। तो फिर इतना दूर दूर क्यों बैठे हो? दूर कहाँ है, पास ही तो बैठे एकदम। ये पास थोड़ी होता है, पास तो ये होता है। आपका मंथली पास फिक्स हो गया है, आप कभी मेरे साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। बस पक्की यही गल रखनी है।
इससे आगे नहीं जाना मुझे, उठ बैठ नहीं है बस, हाँ मतलब कब बोले भी लेट भी सकते हैं, वो नहीं होगा। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या प्लान है? मैं तो जगह बैग क्यों निकल कर दी, की प्रॉब्लम है, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ दुख रहे हैं, आगे कट ली पर्ची हैगी। अच्छा मैं कि स्पंज पर्ची हैगी। आई कहाँ से हो तुम? एलए। लॉस एंजलिस? नो नो एलए, एलए पढ़ एलए पढ़ पेरिस। Paris. Oh my goodness. Oh, Paris taraf hai chu aur chupchap baitha rahe. Paris se ho tum? Ha. Sonam ji, main aapka gana bahut sunti hu. Acha. Bajre da sitta. Wo bajre ka sitta hai. Bajre ka sitta hai, bajre. Bajra kidhar baitha hai, idhar jo bajwa baitha hai unki baat karegi main. Are waise huma? Yeah. Kaisi ho tum? Oh dear. Main tumhare liye kuch lekar aayi hu. Oh no. ਯਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੋਗੇ ਕਿਆ? ਐਂਡੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕਿਊਟ ਹੋ, ਆਪਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਅਫੇਅਰ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਉਸੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਝੇ ਅਪਣਾ ਲੀਜੀਏ ਨਾ। ਐਸੇ ਤੋ ਇਹ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਸੇ ਸਾਥ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। सोनम की जगह मैं हीरोइन बनने वाली थी, लेकिन जान मुझ के मेरा ऑडिशन नहीं लिया इन्होंने कि कहीं मैं सेलेक्ट ना हो जाऊं। लेकिन आज मैं अपना ऑडिशन देके जाऊंगी। प्लीज नहीं, ये प्रोड्यूसर भी है एक्चुअली। तभी तो इतना तामझाम कर रही हो, वरना वहां चुपचाप नहीं बैठी होती इनकी तरह। आपने फिल्म में एमी सर को पछाड़ा था, आज मैं हर्ष को यहाँ पे पछाड़ूंगी। आप मेरी परफॉर्मेंस देख के डिसाइड कीजिएगा कि मैं क्या चीज हूँ। हर्ष ये लो, आ जा। अरे वो मर जाएगा गौरव, मर जाएगा वो। इसी बात पे आज पंजाबी के तौर पे चैंपियन। हेमी जी, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एक ऑटोग्राफ तो बनता है। कहाँ पे चाहिए भाई? आपका जहाँ मन करे। जगह सही चूज करो प्लीज। मतलब रोमांस और दंगल दोनों तूने आज किया है हर्ष के साथ भी। तोड़ी है इसने। अच्छा वाह, हम दोनों बच गए, थैंक्स। बट गाइस, गौरव कम ऑन। थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू। Lots of love! thank you, bye! Thank you guys for being such great sports. Wonderful. I think madness ko aage badhate aaiye. Aapko jana hi padega baji, please. Thank you so much, ek bar zordar taaliyan Ami baji and Sonam ke liye, thank you. जी, एक टाइम था हम अंग्रेजों को पैसे देकर हमारे गानों पे नचाते थे, अब अंग्रेज पैसे देकर क्लब में हमारे पंजाबी गानों पर भंगड़ा पा रहे हैं। भाई पंजाबी म्यूजिक की सक्सेस देखकर ना अब भोजपुरी सिंगर्स भी चाहते हैं कि उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री उतनी ही फेमस हो जाए, उतना ही लोग उनके गानों के लिए पागल हो जाएं, और इसी की सलाह लेने आज वो पंजाबी सिंगर के पास आए हैं। सो प्लीज वेलकम गौरव दुबे एज रवि किचन, परितोष भाई एज नोज तिवारी एंड केतन भाई एज बीट पराग। एमी विरपाजी सोनम जी, क्या बात है, धन्यभाग्य आपके जो दर्शन हुए हमारे। अरे माफ कीजिएगा, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। पाजी मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, ये बगल वाली से बोल दीजिए क्योंकि हमको डायरेक्ट बोलने में शर्म आ रही है। हमको शर्म आती है यार, हम बहुत शर्मीले हैं, हम तो शाही खानदान से हैं ना। पाजी पंजाबी म्यूजिक में मेरा आज डेब्यूट है। यस डेब्यूट है, हम भी आपके जैसे बड़ा रॉक स्टार बनना चाहते हैं, और आज हम पंजाबी म्यूजिक के जीनियस के वहाँ आए हैं, बीट पराग के वहाँ। बस एक बार आ जाए सोनम, खेल देखिएगा आज। अरे खेल जाएंगे आज हम। बोले क्या पराग? ओहो अद्भुत, क्या बात, अद्भुतास अद्भुतम, जिंदगी झंडवा।
फिर भी घमंड भा, सैटरडे के बाद आता संड भा, मौसी चली गई छोड़ के मौसा हो गया आजाद। ये फालतू है क्या तुम, क्या रिंकिया के पापा फालतू बात पे हंस देते हो? एक मिनट, ये लास्ट वाला राइमिंग नहीं हुआ बाबू? आपके राइमिंग के चक्कर में मौसी को थोड़ी मार देंगे, वो मायके गई हुई है। सोनम जी आए हैं। वाह, कितनी खूबसूरत है आप, कितनी चार्मिंग है, मतलब क्या पर्सनालिटी, आपको नजर ना लगे एक काला टीका तो बनता है बाबू। लगा लिए, मजा आ गया। वैसे सोनम जी, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि आपके साथ एक पिक्चर करें हम, और हमने उसका टाइटल भी सोच लिया है, क्या? अच्छा। खिला के चावल और राजमा, पटा लिए सोनम बाजवा। वैसे एमी बाबू, आपका जो गाना है बहुत ज्यादा फेमस है। कौन से? मैं तो एमी 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 लुट गया। अरे फालतू आदमी है, मैं कह रहा था वो इनका गाना है ही नहीं, इनका गाना है एमी जे तुम्हार, एमी जे तुम्हार, छन छन छन। ये लास्ट वाला हमारा फुल स्टॉप है, हम अपना खुद का लेके चलते हैं, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कहाँ रुकना है, इसको जैसे नहीं पता कहाँ रुकना है, हर जगह हमारे पीछे पीछे आ जाता है। हम नेता बने, ये नेता बना, हम अभिनेता बने, ये अभिनेता बना, हम राजनीति में आए, ये राजनीति में आया, आज हमारा डेब्यूट है, ये यहाँ भी आ गया, और जहाँ पीछा करना चाहिए वहाँ नहीं करता है पाजी जी। परसों हम कीचड़ में गिर गए, एक स्टार कीचड़ में गिरा छपाक, हम गिर गए, लेकिन ये हमारे साथ नहीं गिरा, हमारे खोपड़े पे पैर रख के आगे चला गया, इतना गद्दार है ये। अगर बाबू हमें आपके साथ गिरना होता तो हम आपको धक्का ही क्यों देते? और वैसे बाबू, आपको पंजाबी में गाने की क्या जरूरत है, आप तो ऑलरेडी भोजपुरी में गा गा के मार खा रहे हैं। जल 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 गए रिंकी है, ये तुम नहीं बोल रहे हो बेटा, तुम्हारी जलन बोल रही है, तुम हमारे सिंगिंग से जलते हो। जल बाबू ज्यादा बोले तो अभी हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमें कोई बात फालतू लग गई ना तो ज्यादा अगर बोले तो गला दबा देंगे आपका हम। गला दबाने से क्या होगा, हम गला से गाते ही नहीं है। ओ जी साढ़े भरा इत्थे बैठे ने, एमी वर्ग जोरदार तालियां मारो। बाबू हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने साक्षात खड़े हैं और आपको पहचान रहे, कौन है ये? हमको तो लग रहा है बाबू कि कोई अजगर है जो अंडा देने की कोशिश कर रहा है। पाजी, हटो की यार। बात कर रहे हैं। नहीं देखो भाई, हो सकता है आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना हो, मैं आपको पहचानता हूँ, आप बहुत ज्यादा बीच बीच में बोलते हो यहाँ पे, और मैं आपको भी जानता हूँ, आप बहुत फेमस हो, 500-500 रुपए के लिए यहाँ लड़की बने फिर हो, मेरे को बताया। और मैं हूँ पीपड़ा, 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 पीपड़ा। एक मिनट, सिकंदर आया नहीं, कोरस पहले तैयार हो जाए। आप गलत कर रहे हैं लाइफ, बदलों का मी नहीं पाया, बकरे का पाया, बकरे का पाया जो है ना, बकरे का पाया पकाइए, ठंड में हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है आदमी, पूरे पंजाबी इंडस्ट्री में इनके टक्कल का कोई नहीं, ये देख के बता सकता है। बात तो सही है, सही बात, इनके टक्कल का कोई नहीं, और आपके मेहंदू बड़े जैसे सक्कल का कोई नहीं है बाबू। Myself, Ravi Kitchen. Kitchen? ओ ये किचन है, मैं तेरे चिमनी लगा दूँ, मैं तेरे चिमनी लगाऊँ, बदल लाऊँ। हटिए यहाँ से। दसो बाजी।
हम आपके पास सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए आए ना, पंजाबी डेब्यूट। पड़ा मौत से पाला मेरा। हे बाबू ऐसा नहीं, हम अच्छा गाएंगे। अच्छा गाएंगे? हाँ। और अगर अच्छा नहीं गाया तो? या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। ये इतना ऊंचा गाते हैं पाजी जी, एक दिन ये अपनी आवाज से बहरे होंगे, क्योंकि इनके मुंह के सबसे पास इन्हीं का कान है। और मेरे स्टूडियो खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग? कुछ गाना वाना आता है तो गाओ, सुनाओ चलो जल्दी। अभी सुनाते हैं बाबू। सुनाओ। बाबू फिलहाल हमको यही आ रहा था। एक सेकंड। गाना सुनाना है, सुनाना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, देखो तुम दोनों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा मेन आर्टिस्ट वेट कर रहा है कि वो आके यहाँ पे गाना गाए तो मैं गाने रिकॉर्ड कर लूँ। एक मिनट, हम लोगों के जिंदा रहते मेन आर्टिस्ट कौन है? एमी पाजी। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आओ, मैं आपका गाना पहले रिकॉर्ड कर लूँ फिर इनको फारिग करूंगा। प्लीज पाजी। करी जोरदार ताड़ियाँ असल वाले के नाते जरूर लायो। और एक बार जोरदार ताड़ियाँ इन्हों के नाते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। चलो सानू थोड़ा बहुत शौक है, आपका काम है ये, आप शुरू से करते आ रहे हो, आप प्लीज करो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। देखा दोनों जने गाते कैसे हैं? देखा थोड़ी, हमने तो सुना है। क्या बोल रहे हैं आप? वह तू फालतू बातें कर रहा है, तुझे कुछ गाना आता है? बाबू हम सुनाते हैं। हाँ जाओ उधर का, मैं केंद्र जाओ। ओ पाजी, अबाजी आप थे, आ जाओ पाजी। हाँ। ओ पहले ये बताओ गाने की लिरिक्स क्या है, लिरिक्स बताओ। तो लॉन्ग में लुच्ची। तो लॉन्ग में लुच्ची। तो लॉन्ग में तू लुच्ची। नहीं भाई, तू लॉन्ग टे में लाची होता है, लाची। बाबू लालची होगा तू, हम थोड़ी हैं। फालतू बात कर रहे हैं, हम लोग लालची थोड़ी है। दो गाने के लिए हमारी बेइज्जती करेंगे आप महाराज, ये कोई तरीका होता है? बाबू हम नहीं गाएंगे। आउटस्टैंडिंग। एक मिनट। अच्छा सिल्ला दिया तूने, मेरा टाइम वेस्ट करके दोनों ने। मैं तेरी मैं छोड़ूंगा नहीं, निकलो यहाँ से। ओए हटो यहाँ, चल निकल, आना नहीं तुम्हारा, हटो। ओए चल परे हट। अजीब आदमी है, कहा हमको निकल जाओ और खुद निकल गया। उनको जल्दी जाना है, फटाफट कुछ कर। इससे हमारा काम हो गया है। इधर आओ, जो ये देखो, यानी ना जो इधर मजाक मजाक में जो हम लोग की बात को सीरियसली लेके गा दिया ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। खाली कैसेट के ऊपर अपना लेबल चिपका देना है, रिलीज कर देना है, उसके बाद अपना काम हो गया है। हमने एक ऐसा म्यूजिक रिकॉर्ड किया है, हर कोई सुनेगा, वायरल है, वायरल। आप देखो ये सुनिए, आप खड़े हो जाएंगे। ये देखो ये। क्या बात है, क्या बात है भाजी, कितना लगा सारे आधा हमारे गौरव भाई। दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी को आसान है, और बहुत खूबसूरती से कर रहे हो। सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार सत्कार, आई लव यू गाइस। आप लोगों ने मुझे इतना हंसा दिया, इतना हंसा दिया कि मैं हंसते हंसते रो रही थी। यू गो ऑल वर सो अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। एंड आई जस्ट वांट टू से व्हाट अ ग्रेट 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 परफॉर्मेंस बाय मी। क्या माहौल बना दिया आपने। थैंक यू। नहीं ये तीनों जो है हमारे शो के बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। तो तीनों शर्मा क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। चारों तो बोल रहा था ना कि शी इज लाइक माय सिस्टर। रोमा जी जिन्होंने 26 एपिसोड आपको देखा उनको देख के तो शर्मा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट भाई। प्लीज बैठिए भाई। तो आज की मैडनेस सेलिब्रेशन को लगाते हैं यही ब्रेक, कल रात फिर लौटेंगे 9:30 बजे अपनी मैडनेस की महफिल लेकर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।